तो बोलते हैं भाई तेरे संतरे ऊपर खर, तो बोलते हैं बार बार गिर रहे। तो गोवा मतलब लड़की, पैसा, शराब, कुमड़ी गैंग एक नंबर, कुमड़ी गैंग। मैं तो सिर्फ नौरा के लिए आया था। ओके, ये पिक्चर मडगांव एक्सप्रेस। हाँ, मस्त एकदम, मजा आया। हाँ मजा आया, मैं तो सिर्फ नौरा के लिए आया था। ओके, बाकी ये तीनों ने कैसा किया कॉमेडी? अच्छा किया मतलब, ठीक है मतलब, कहानी सही है। हाँ कहानी सही, मतलब थोड़ा बीच में बोरिंग हो जाता है बट ठीक है कहानी। कॉमेडी? हाँ कॉमेडी, हाँ ठीक था कॉमेडी, ठीक ठाक। हाँ ठीक है। कैसी है पिक्चर? अच्छी है। ठीक, ये मडगांव एक्सप्रेस बेकार है। मजा, कैसी है पिक्चर? मडगांव एक्सप्रेस बहुत अच्छी, मजा आया। हाँ मजा आया, धमाल है, धमाल, पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। मडगांव कैसी लगी मूवी आपको? ठीक है, कैसी है पिक्चर? बेस्ट बेस्ट है। यस आया। ओके, कॉमेडी, फुल कॉमेडी, फुल कॉमेडी, पैसा वसूल हुआ। यस मजा आया। थैंक यू। ऐसी है फिल्म? अच्छा अच्छा। मडगांव एक्सप्रेस कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगा, मजा आया, कॉमेडी था, पैसा वसूल कराया पिक्चर में। हाँ आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मजा आया, टाइम पास हुआ। आई लव कुमड़ी गैंग, कुमड़ी गैंग एक नंबर, कुमड़ी गैंग अच्छी लगी, बहुत बढ़िया पिक्चर है। ओके, आपको कैसी लगी? सब अच्छी लगी, अच्छी लगी, बहुत मजा आया देख के। कैसी है फिल्म? अच्छी है, अच्छी है। पिक्चर मडगांव एक्सप्रेस, टाइम पास है। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस गुड मूवी, गुड मूवी। कुणाल खेमू को आना पड़ेगा, डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, सॉरी राइटर, राइटर, राइटर। यस, फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा किया, ऐसे मालूम नहीं पड़ता कि ये न्यू कमर डायरेक्टर है। जो एक्टर मतलब चल नहीं सका, डायरेक्शन बहुत अच्छा किया उसने। ओके ओके, बाकी छोड़ो, कुणाल खेमू का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और उसका जो स्क्रिप्ट प्लेन है ऐसे आदमी को हंसाता रुलाता है। मैं तो ये डायरेक्टर का काम, ओके, पिक्चर ही है एक नंबर है, मतलब कॉमेडी कौन सी पसंद आएगी? कम बजट का है लेकिन ठीक है, एक बार देख सकते हैं। कॉमेडी सीन कौन सा पसंद आया? बहुत सारा, जो लोग का इंटरवल पर से जो चौपाटी मतलब जो ये बीच में जो होता है वो लोग का फ्रेंडशिप का स्टोरी बोलते हैं, उसे बहुत अच्छा है। अच्छा, जो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा किया उसने। अब मेरे लिए कुणाल खेमू को मानना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर नहीं। कुणाल खेमू के लिए मैं तो 4 में 5 में 4 ये देखा। और पिक्चर के लिए? पिक्चर भी ठीक है, वन टाइम देख सकते हैं, वन टाइम देखना, टाइम पास। देखो कुणाल खेमू को मानना पड़ेगा, डायरेक्शन उसका स्क्रिप्ट प्ले बहुत अच्छा। ये लोग बाकी के तीनों ने कैसा किया काम? सब करोड़ ठीक है, ठीक ठाक है, चले। मिर्जापुर वाला भी ठीक है, मैं तो वही कैरेक्टर है उसका, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग है, देखना चाहिए लोगों। हाँ देखना चाहिए, स्टोरी भी ठीक है, बाकी कंचन कुमारी सब ठीक है। ओके, मराठी एक्टर है, परफेक्ट है, वन टाइम देख सकते हैं। ओके, कैसी है पिक्चर? मस्त है, मजा आया। हाँ वो टाइम पास हुआ, टाइम पास ही हुए। बट एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए कुणाल खेमू को, एक एक्टर, एक चॉकलेट हीरो ही समझो, और उसने इतना बड़ा कदम लिया, और उसके अंदर बड़ा रिस्क तो फरहान अख्तर का है, जो एक्सेल में बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म उसने दे दिया उसको डायरेक्ट करने के लिए। okay. और लेकिन बड़े बजट की फिल्म नहीं है, इन तीनों छोटे छोटे एक्टर, नए नए लड़के लोग हैं, और फिल्म के अंदर एक चीज है कि भाई गलती से भी ट्रैवल करते वक्त यानी कहीं जाते वक्त गलती मत करना बैग का, इधर बैग सेम टू सेम कलर हो सकती है लेकिन उस बैग की वजह से वो लोग का पूरा यानी चेंज, रूट ही चेंज हो जाता है। और ये तीनों बच्चे होते हैं बचपन से होता है गोवा, गोवा मतलब लड़की, पैसा, शराब यानी ऐश आराम, एक नॉर्मल दिमाग में सभी के लिए ऐसा रहता है, भाई मजा करने जाना है तो कहाँ गोवा जाना है, यानी 31st नाइट या क्रिसमस से जो 4-5-6 दिन होते हैं ना, मेरे ख्याल हिंदुस्तान में क्या ऑल वर्ल्ड से आते हैं पब्लिक गोवा में, एक उसी नाम से फेमस है, लेकिन बच्चों का भी शौक रहता है, लेकिन बड़े होते तब वो लोग जाते हैं, बहुत जाने के वक्त जो होता है हादसा वो पूरे लाइफ उनकी चेंज हो जाती है। क्या अपील किया आपको कॉमेडी ने पिक्चर? नहीं उतना पंच नहीं है, उतना जो कॉमेडी में होता है ना, हम कॉमेडी फिल्म में देखते हैं ना, जितना पंच होना चाहिए ना कॉमेडी के अंदर, यानी खुशी से हंसना चाहिए, आदमी इतना ठहाका देखे नहीं लगा सकता है। सिर्फ ये है कि भाई वो लड़की का बेस करती है वो थोड़ा ठीक लगता है, और वो लड़का जो गरीब रहता है ना उसके थोड़ा एक्सप्रेशन बहुत हार्ड है, अच्छे है, काम अच्छा किया उसने। और रही बात है दूसरा, ये फिल्म के अंदर ये भी बताया आपको, कोमड़ी गैंग बताया लड़की की, तो कोमड़ी गैंग के अंदर कंचन कोमड़ी गैंग, यानी सभी में बोलते भाई लड़कियां कंधा से कंधा मिलाती है, फ्लाइट में उड़ाती है, ट्रेन चलाती है, हर इसमें आगे, यानी फिल्म के अंदर यही बताया भाई इसमें भी आगे लड़की, मतलब इसी में भी लड़की टक्कर ले सकती है। okay. भाई उसको इतने बार बार ठसन देती ना वो चुप बह जाता है, क्या उसका नाम, वो लिमे, लिमे उपेंद्र, उपेंद्र लिमे, हालांकि उसके बाद रणवीर कपूर की फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग था। yes. लेकिन आपको फिल्म देखना है ना भाई, लिमे के लिए और कंचन कॉमेडी के लिए आके देखना,
ये दोनों के लिए फिल्म देख सकते हैं, जब भी स्क्रीन पे आते ना मजा आता है दोनों के लिए देखने के लिए, यानी एक्टिंग हार्ड है वो दोनों की और डायरेक्शन। आपको ये बताता हूँ मैं, उन्होंने जो डायरेक्शन बोला ना ये 10% डायरेक्शन, इन लोग का 90% डायरेक्शन खुद का होगा, ये जो ऐसे एक्टर है ये, और ऐसे एक्टर को लिया भाई अच्छा ठीक है समझो। और क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए? पिक्चर के लिए भाई मेहनत की है कुणाल खेमू ने, उसको क्या बोल सकते हैं, और फिल्म के लिए मैं 3 दे दूंगा। 3? हाँ हाँ। लेकिन आपको इतनी पसंद नहीं है? माइनस प्लस दोनों 50-50। जी मड़गा एक्सप्रेस में सिर्फ ट्रैक पे हम लोग बैठ के चले नहीं है, वो जर्नी ने हमको दौड़ाया। ओके। क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूँ कुणाल केमू डायरेक्शन कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत कम रख के गया था कि कुणाल केमू क्या ही डायरेक्शन देंगे, लेकिन जब डायरेक्शन मूवी का देखा तो मुझे लगा सर आपने रोहित शेट्टी से इंस्पिरेशन लिया है कि कैसे एक नॉर्मल इंसिडेंट को मसालेदार कैसे बना के पब्लिक को हंसाया जाए, कनेक्ट किया जाए स्टोरी से। तो मूवी जो दौड़ती है ना पूरी ड्रग्स पे दौड़ती है कि कैसे 3 दोस्त बताए हैं, उसमें से 2 फॉरेन चले जाते हैं और 1 रह जाता है, फिर बचपन की इच्छा होती है, तो मूवी का टैगलाइन है कि बचपन के सपने और लग गए अपने, तो बराबर सूट होता है। तो कॉमेडी सबसे मेन बात है मूवी की, तो कॉमेडी आपको बहुत हंसाती है, हाँ मतलब जगह जगह पे। उसमें एक डोडो नाम का कैरेक्टर है 3 दोस्त में, तो वो उसकी कॉमेडी टाइमिंग ना सबसे परफेक्ट है, और प्रतीक गांधी भी आफ्टर बोलते ना, प्रतीक गांधी और नौरा फतेह का भी काम बहुत अच्छा है। कॉमेडी सीक्वेंस कौन सा? कॉमेडी सीक्वेंस एक वो है जब वो लोग लास्ट में कोलीवाड़ा बन के ड्रग्स लेने जाते हैं, तो डोडो बोलते हैं भाई तेरे संतरे ऊपर कर दो, बोलते बार बार गिर रहे, तो मतलब वो जिस वे में बोलते हैं तो आपको बहुत हंसी आएगी। और नौरा फतेह मतलब बोलते ना क्रैक और अभी इसमें, तो जब जब नाच रहे हो ना तो आप ऑडियंस को भी नचा रहे हो अपने दिल पे। और ओवरऑल जो मूवी पे ड्रग्स है ना उसमें एक कैरेक्टर है, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, मराठी के एक बहुत जाने माने एक्टर है, तो उनका काम हाँ उपेंद्र सर ने जो एनिमल में रोल किया था छोटा सा, उससे भी बढ़िया रोल इसमें। okay. और कुणाल केमू ने जो अपना कैमियो दिया है वो भी अच्छा है, और सबसे बेस्ट कैमियो है रेमो डिसूजा का, क्योंकि उनका रोल इतना मतलब इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो क्लाइमैक्स बताया ना, तो अगर उसमें रेमो डिसूजा का कैमियो नहीं होता ना तो वो क्लाइमैक्स कभी बन ही नहीं पाता। और उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, कर लिए ठीक ठाक से, ठीक से नहीं कर पाए। हाँ और डायरेक्शन तो उनका आता नहीं, तो ठीक ठाक कर लिए। कुणाल केमू का मेरे को डायरेक्शन एक्चुअली बहुत पसंद आया। पसंद है। क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए मड़गांव एक्सप्रेस? 3 3 प्लीज जाओ दौड़ो एक्सप्रेस पे दौड़ो, क्योंकि रोहित शेट्टी से इंस्पिरेशन लिए कुणाल केमू ने।